जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर की वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये बहुत ही पुराना मॉडल का ट्रैक्टर है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, हम इन ट्रैक्टरों की इस वजह से वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता लग सके कि नए और पुराने ट्रैक्टरों में कितना अंतर है, पहले की क्या क्वालिटी थी और अब में क्या क्वालिटी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो हमारे सामने ट्रैक्टर है, ये मेड इन इंग्लैंड ट्रैक्टर है। ये इंग्लैंड का बना हुआ ट्रैक्टर है जो कि 1942 मॉडल का है। ये 3 सीरीज़ A का ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, बहुत ही जानदार ट्रैक्टर था ये। आप देख सकते हो, अभी भी अपने अच्छी कंडीशन में है ये ट्रैक्टर, क्योंकि इन ट्रैक्टरों के अंदर नए लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, वो 24 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। स्लो स्पीड में ये आते थे क्योंकि ये टॉर्क वगैरह और ताकत वगैरह ज़्यादा पैदा कर सकते थे और हर एक चीज़ को बड़ी आसानी से खींच लेते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसका सामने की तरफ ये इसके साइलेंसर वगैरह दे रखे हैं और इस पे जो टायर वगैरह हैं आप देख सकते हो, जो फ्रंट इसका एक्सल वगैरह है नॉन एडजस्टेबल में आता था। साथ में आप देख सकते हो इसके रेडिएटर है, ये रेडिएटर ब्रास के अंदर आते थे। 4 रेडिएटर इसमें लगते थे किसान भाइयों, 2 इस तरफ हैं और 2 उसके परली साइड हैं। साथ ही ये पुली वगैरह आप देख सकते हो इसके अंदर लगी हुई हैं। ये जो ट्रैक्टर है किसान भाइयों, अपने भारत में फील्ड मार्शल नाम की कंपनी थी, उसने इसको लॉन्च किया था। ये ऊपर की तरफ जो कैप देख रहे हो, ये इसका एयर क्लीनर है। साथ ही किसान भाइयों, ये पीछे की तरफ ये इसकी ग्लासी वगैरह हैं, आप देख सकते हो फील्ड मार्शल लिखा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर। यही कंपनी थी जिसने बाहर से इन ट्रैक्टरों को हमारे देश में लेके आई थी। और साथ ही आप ये देख सकते हो इसके मडगार्ड वगैरह किस तरीके से सबसे अलग और हटके हैं। नए लोहे के अंदर इस ट्रैक्टर को बनाया जाता था। इसके अंदर लिफ्टिंग की पावर नहीं थी। स्टेयरिंग वगैरह आप देख सकते हो सबसे अलग है। इसमें हाथ से ही रेस दी जाती थी, पैरों की रेस नहीं आती थी जैसा कि आप देख सकते हो। और पीछे की तरफ ये गद्दी वगैरह लगी रहती थी और पीछे से ही जो भी हमारा किसान भाई था इसके ऊपर चढ़ के इस ट्रैक्टर को कंट्रोल करता था। अब हम साइड से बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसके जो एक्सल वगैरह हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नॉन एडजस्टेबल में आते थे, चौकोर में ही पहले भी कंपनी बना के देती थी क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा झटके सह सकते हैं। ये पुली वगैरह आप देख सकते हो किसान भाइयों, इसके अंदर भी अगर आप इसे मैन्युअली स्टार्ट करना चाहो तो हैंडल से घुमा के इसे स्टार्ट कर सकते थे। ये डीजल में आता था ये ट्रैक्टर। ये इसमें ये आप इसका सिलेंडर देख सकते हो, ये सिंगल सिलेंडर में आता था। 24 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, बहुत ही कमाल का ट्रैक्टर है। चलते हुए इसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल एक जो फील्ड मार्शल का इंजन होता है उसी की तरह इसकी आवाज़ होती है। ये सामने आप देख सकते हो किसान भाइयों, इसके अंदर इसे खोल करके इसे गर्म वगैरह किया जाता था और इसके अंदर 9 mm का जो पिस्टल होती है उसकी गोली डलती थी, जिससे ये ट्रैक्टर बारूद उसके गोली के बारूद से ट्रैक्टर स्टार्ट होता था गर्म होने के बाद। तो कमाल का ट्रैक्टर था, अभी भी अपने अच्छे कंडीशन में अभी भी ये चालू हो सकता है। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, नए और पुराने ट्रैक्टरों में कितना फ़र्क है। तो धन्यवाद किसान भाइयों।